नमस्कार दोस्तों, फोन हिंदी की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं इन्फिनिक्स हॉट 20 प्ले एंड इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले के बीच एक स्पीड टेस्ट कंपैरिजन और देखेंगे कि इन दोनों फोन में से आपको किस फोन की स्पीड परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिलती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन से बात करें। सबसे पहले इन्फिनिक्स हॉट 20 प्ले की, तो दोस्तों इसमें आपको मीडियाटेक हीलियो G37 ऑक्टाकोर सीपीयू मिलता है। यह फोन एंड्रॉइड 12 के साथ रन करता है। इस फोन में आपको 4GB की रैम एंड 64GB का स्टोरेज मिलता है। वही बैटरी की बात की जाए तो इस फोन के साथ आपको 6000mAh की एक पावरफुल बैटरी भी देखने को मिलती है। वही बात करें इस फोन के GPU की, तो यहाँ पर आपको पावर BRG E83 GPU मिलता है। इस फोन के प्राइस की बात करें तो यह फोन फ्लिपकार्ट पर आपको 9000 रुपये के प्राइस में मिल जाएगा। अब बात करें इन्फिनिक्स हॉट 20 प्ले की, तो यहाँ पर आपको मिलता है यूनिसॉक T610 ऑक्टाकोर CPU। यहाँ पर भी आपको पावर BRG E83 GPU मिलता है। यह फोन एंड्रॉइड 11 पर रन करता है। इस फोन में आपको 4GB की रैम एंड 64GB का स्टोरेज मिलता है। इस फोन में भी आपको 6000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले का प्राइस 8400 रुपये है, लेकिन ऑफर के तहत ये आपको लगभग 7500 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों बस यही थे दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पर बता दिए। अब हम करने जा रहे हैं दोनों फोन के बीच एक रीबूट टेस्ट, देखते हैं कौन सा फोन रीस्टार्ट पहले होता है। दोस्तों अगर रीबूट टेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले काफी ज्यादा फास्ट देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू हॉट 20 प्ले। अब हम करने जा रहे हैं मेन टेस्ट स्पीड टेस्ट कंपैरिजन और देखेंगे कि किस फोन की परफॉर्मेंस हमको ज्यादा बेहतर देखने को मिलती है। दोस्तों हमने यहाँ पर दोनों फोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन कर लिया है। अगर दोनों फोन के कंपैरिजन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले काफी ज्यादा फास्ट देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू इन्फिनिक्स हॉट 20 प्ले, क्योंकि दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले में आपको जो CPU मिलता है वह इन्फिनिक्स हॉट 20 प्ले के CPU से थोड़ा सा फास्ट CPU है। इसी वजह से इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले की स्पीड परफॉर्मेंस हमको काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिली है एज कम्पेयर टू हॉट 20 प्ले। अब हम करने जा रहे हैं दोनों फोन के बीच एक रैम मैनेजमेंट टेस्ट, देखते हैं किस फोन का रैम मैनेजमेंट हमको बेहतर देखने को मिलता है।
दोस्तों यहाँ पर अगर दोनों फोन के रैम मैनेजमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले का रैम मैनेजमेंट काफी अच्छा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू हॉट 20 प्ले। तो दोस्तों ओवरऑल कंपैरिजन की बात की जाए तो आप इन दोनों फोन में से हॉट 12 प्ले को ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपको अच्छा सीपीयू एंड एक अच्छी रैम मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बस यही था आज की इस वीडियो में।